ये देखिए जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव दिखा रहे हैं। सपोटरा तहसील और पंचायत समिति सपोटरा जिला करौली के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कालागुड़ा से यहाँ पे देखिए किस प्रकार का यहाँ का ये वातावरण है इसका। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो वर्षों से कोई आया भी नहीं होगा। बकरियों के जाने का रास्ता यहाँ मानव कोई आदमी या फिर सरपंच सेक्रेटरी पधारते ही नहीं होंगे। ये देखिए सीधा आपको दिखा रहे हैं हम लाइव कालागुड़ा पंचायत समिति सपोटरा और जिला करौली राजस्थान ग्राम पंचायत मुख्यालय का ये अटल सेवा केंद्र का दृश्य है। ये देखिए पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा भी यहीं के हैं विधानसभा क्षेत्र सपोटरा के, लेकिन विकास के नाम पे ये ग्राम पंचायत मुख्यालय जीरो है। पंचायत राज मंत्री होते हुए भी देखिए यहाँ पर बकरियों की बीट पड़ी हुई है, मैंगनी जिनको बोलते हैं, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पे ताला लगा हुआ है। श्री सरपंच श्रीमती राजंती मीना और ग्राम विकास अधिकारी सुमरन सिंह गुर्जर है। ये देखिए किस प्रकार के हालात हैं यहाँ पर। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं सीधा लाइव, मानो यहाँ पे कोई आया ही नहीं हो काफी दिनों से। वही देखिए मैंगनी पड़ी हुई है इस पे अटल सेवा केंद्र के यहाँ पर, और बमूल वगैरह ये सब उगे हुए हैं यहाँ पर। साफ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पंचायत मुख्यालय कालागुड़ा सपोटरा ये देखिए लगा हुआ है ताला इस पर। ग्राम विकास अधिकारी है सुमरन सिंह गुर्जर। जी न्यूज़ पोर्टल की सीधी लाइव रिपोर्ट ग्राम पंचायत मुख्यालय कालागुड़ा से है। ये देखिए कितनी सीढ़ियाँ ऊंची है, लेकिन मानो यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो और सीढ़ी भी टूटी हुई है बीच में से। जी न्यूज़ पोर्टल की ग्राउंड रिपोर्ट है सपोटरा से। ये देखिए इसमें काफ़ी झाड़ वगैरह और साफ सफाई नहीं है। आइए ग्राम पंचायत मुख्यालय का जो शौचालय है उसका भी अवलोकन करते हैं। क्षतिग्रस्त दीवारें, ऊबड़ खाबड़, मेन गेट भी नहीं है मुख्य गेट भी, लाइट ज़रूर दो दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं यहाँ पर। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर और बच्चों क्या हाल है? सांप भी रहते हैं इसमें ग्राम पंचायत मुख्यालय में, सांपों का बसेरा है। ये देखिए ग्राम पंचायत मुख्यालय की इस पर टॉयलेट में ये ईंधन रखा हुआ है किसी पड़ोसी का शायद किसका, और इसमें गेट भी नहीं है। अटल सेवा केंद्र पे ये देखिए किस प्रकार ये टॉयलेट में ये बीट जमी है ये गंदगी। क्या नाम बच्चा है आपका? मनीष कुमार मीणा। तुम यहीं के रहने वाले हो? कहाँ के हो? खानापुरा। खानापुरा से यहाँ पढ़ने आते हो? तो खानापुरा तो वहाँ से पोट रहा है। खानापुरा तो वहाँ है तो वहाँ से यहाँ कैसे आते हो पढ़ने? हमारे रिश्तेदार हैं तो यहाँ रहते हो आप, वहाँ पढ़ लेते। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? ट्वेल्थ में पढ़ते हैं। यहाँ कोई आता ही नहीं आता इसमें अटल सेवा केंद्र पे सरपंच सेक्रेटरी वगैरह? कभी 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 आते हैं सर। इसके साफ सफाई भी नहीं करवाते क्या? बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? दिलकुश शर्मा। कौन से यही गांव के हो? नहीं तालाब का पास में पड़ता है। तो ग्राम पंचायत मुख्यालय कौन सा आपका? कालागुड़ा। कालागुड़ा ग्राम के तालाब का गाँव के हो? हाँ। और ये ऊपर देवता का क्या एक स्थान है ऊपर? हनुमान जी बाबा। तो इसमें दिन भर ही लाइट जलती रहती है ऊपर इसमें? दिन में ही लाइटों का जलने का अंबार है। और क्या क्या सुविधाएं है यहाँ पर? परिवहन वगैरह, बस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो
तो यहाँ के मंत्री रमेश जी सपोर्ट रखे, कुछ कार्य करवाते कि नहीं करवाते? कुछ भी नहीं। तो आप किससे जाते हो वहाँ से सपोटरा तक? पैदल, गाड़ी, खुद की गाड़ी से जाते हैं। और गाड़ी नहीं थी जब? पैदल। और बरसात पानी आ जाए भयंकर, तो रास्ता के लिए अभी सरपंच ने थोड़ी रास्ता बनाने की कोशिश की, तो उसने रास्ता इतना सही लिया और पूरा वैसे माटी एरिया डाल दिया, ग्रेवल इतना सही लिया। हाँ। चलो देखिए हमारे बनाया अभी जीनो उस पोर्टल पर, कौन से गांव के लिए बनाया रास्ता? तालाब का, तालाब का के लिए रास्ता बनता हुआ। ये देखिए ग्राम पंचायत कालागुड़ा, पंचायत समिति सपोटरा का ये हाल बेहाल है, मानो यहाँ पर कोई आया नहीं हो, झाड़ियों से और गंदगी से अटल सेवा केंद्र, और टॉयलेट्स खराब है बिल्कुल एकदम यहाँ की।